नोट कीजिएगा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। सर स्कूल में चैप्टर 4 से The taxi charges in a city comprise of the taxi charges in a city the taxi charges in a city comprise of a fixed charge together comprise of a fixed charge The taxi charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Together with the charge of the together with the charge of the distance covered. Full stop. For a journey of 10 km, the charge paid is तो अब
फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए वो 75 रुपीज दे रहा है, तो सबसे पहले उसको एक्स रुपीज तो देना ही देना है, फिक्स चार्ज है जो एक्स रुपीज है वो तो उसको देना ही देना है। उसके बाद वो बोल रहे हैं पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज 2 रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 1 किलोमीटर का चार्ज 2 रुपीज है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 बाई, ठीक है, तो x प्लस 10y, तो ये हो गया 10 किलोमीटर का चार्ज, जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, ये तो हो गया 10 किलोमीटर का चार्ज, और ये एक्स रुपीज फिक्स चार्ज आपको देना ही देना था, तो टोटल आपने कितना दिया? 75 रुपीज, तो इज इक्वल टू 75, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, वो बोल रहे हैं एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ये अगर 15 किलोमीटर की जर्नी है द चार्ज पेड इज रुपीज 110, तो 15 किलोमीटर के लिए भी फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, एक्स रुपीज फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, ठीक है। वो बोल रहे हैं फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 110, तो 1 किलोमीटर का चार्ज 2 रुपीज, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया? 15 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 110, ठीक है। यहीं पर लिख लीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सर फिक्स्ड वाई है, फिक्स्ड 5 है और जो पर किलोमीटर डिस्टेंस है वो 7 है। अभी देखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 2 को 1 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो x से x कट गया, 10y - 15y कितना हो गया? माइनस का 5y, और 75 - 110 माइनस 35, ठीक है, माइनस से माइनस कर दिया, 5 × 7 = 35, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो हो गई, वेरिएबल चार्जेस तो हो गए 7 रुपीज पर किलोमीटर, और जो फिक्स चार्ज है वो कैसे निकलेगा? किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 10y इज इक्वल टू 75, तो x + 10 × 7 इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 माइनस 70, x इज इक्वल टू 5, तो फिक्स चार्ज तो हो गया 5 रुपीज, और जो वेरिएबल चार्ज है वो हो गया 7 रुपीज। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, तो हम ये कहेंगे चार्ज और ट्रैवलिंग चार्ज फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 25y, भाई फिक्स चार्ज तो x रुपीज हमको देना ही देना, x इज इक्वल टू 5 और वेरिएबल चार्ज है 7 रुपीज, तो 25 7 जा 175 प्लस 5 इज रुपीज 180, तो उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 180 रुपीज पे करना पड़ेगा। If its length is reduced by 5 units, if its length
and the breadth is increased by 3 units. And the breadth is increased by full stop. If we increase the length by 3 units, and breadth by 2 units, comma, the area is increased by 67 square units. The area is increased by 67. The area is increased by 67 square units. Full stop. Find the length and breadth of the rectangle. बोल रहे थे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. अगर लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ऐसे दूसरा केस दे रखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को 2 यूनिट्स कम कर दिया जाए, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो जो लेंथ और ब्रेथ है उसी को आप x और y मान लीजिए. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे let the length of the rectangle be let the length of the rectangle be x units. तो rectangle की length को हमने x units मान लिया. Let the length of the rectangle be x units and the breadth of the rectangle be y units. जो breadth है उसको हमने y units मान लिया, तो length हो गया x units, breadth हो गया y units. अच्छा, अब आप ये देखिएगा तो area कितना हो जाएगा, area is equal to xy length into breadth, rectangle का area x into y, ये हो गया. अच्छा, अब ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि एरिया उसका कितना हो जाएगा x into y. ठीक, उसके बाद केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. मतलब लेंथ को तो हम 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दें, मतलब x - 5. और वो कह रहे हैं ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, यानी कि y + 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा. तो वो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, जो ओरिजिनल एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम था एरिया. वो बोल रहे हैं ना कि अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो एरिया कितना था, xy था, तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, xy - 9. समझ गए तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9. उन्होंने ये बोला कि एक
अब देखिएगा कि अगर लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ को हमने 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ को हमने 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, तो एरिया जो है वो 9 यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। x into y is x y, x into 3 is 3x, 5 into y is minus 5y, और ये minus 15, और is equal to x y minus 9. अब इधर प्लस का x y, इधर प्लस का x y कैंसिल आउट हो गया, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 को उधर ले गए, तो 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसको बोल दीजिए इक्वेशन ऊपर टू। ऐसे ही जो केस सेकंड है, केस सेकंड में वो बोल रहे हैं If we increase the length by 3 units, कि अगर हम length को 3 units increase करते हैं, यानी कि length अब कितनी हो जाए, x plus 3, ऐसे बना उसकी हिडन एप्स आ गई सारी ऑप्शन है।
Of two persons, example three लिख तो दिया।
the ratio of incomes of two persons. ये तो वो है न्यू वाली है हाई स्पीड है भाई पेज नंबर 158 ऑफ टू पर्संस इज 9:7 इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज सर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसमें मिल क्यों नहीं is 4:3 is 4:3 full stop if each of them saves rupees 200 per month Each of them saves rupees 200 per month. Find their monthly incomes. Sir, इसमें तो 2000 है. कोई बात नहीं. Find their monthly incomes. If each of them saves rupees 200 per month, find their monthly incomes. मुझे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 तो जब इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 दे रखा है तो जब भी हमको किसी भी चीज़ का रेशियो दे रखा होता है तो हम उस रेशियो को एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि दो पर्संस हैं तो एज पर क्वेश्चन 360 एज पर क्वेश्चन वी कैन अज्यूम दैट We can assume that the income of first person, as per question, we can assume that the income of first person की जो income है, उसको हम क्या मान लेंगे 9x is equal to rupees 9x, rupees 9x and the income of second person is equal to rupees 7x ये हो गया फिर है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3 इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका रेशियो 4:3 है सिमिलरली लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने क्या मान लिया 4y रुपीज 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 3y is equal to rupees 3y, rupees 4y और rupees 3y ये expenditure हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब ये है, if each of them saves rupees 200 per month, अगर दोनों ही 200 रुपए per month बचाते हैं, each of them, तो हम ये कहेंगे equation क्या बन जाएगी? भाई उसकी जो income हमारी है 9x rupees और खर्चा हमारा है 4y rupees पहले person का, तो 9x minus 4y करेगा तो कितना बच रहा है? 200, ठीक है? तो क्या हो गया? 9x minus 4y is equal to 200. Similarly, दूसरा जो पर्सन है उसकी इनकम है 7x और उसका एक्सपेंडिचर है 3y. तो 7x minus 3y is equal to 200 रुपीस बचाता है. ये हो गया. अब देखिएगा. इधर minus 4 है, इधर minus 3 है. तो क्या करिए? इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई. और इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो 3 9 27x और 3 4 12y 27x - 12y
और 3 2 6 600 फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28x 4 3 -12y 4 2 800 ये हो गया ठीक है। अब जब दोनों दो वेरिएबल वाली टर्म्स के जब साइन सेम होते हैं, ये भी नेगेटिव है का है, तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो इधर माइनस लगा दीजिए, इधर प्लस लगा दीजिए, इधर माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दिया, -12y + 12y कैंसिल आउट, 27x - 28x -1x 600 - 200 600 - 800 सब छोड़ दो, -200 माइनस से माइनस करो, अच्छा रोक दो, ये रोक, वाई निकालो, निकालो वाई की वैल्यू निकाली, हो गया।
14 days. Find the time taken by one man alone. Six men and eight boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. ठीक है? तो अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि एक मैन को कितना टाइम लगेगा? तो पूरा काम अगर वो एक मैन अकेला करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? और एक बॉय अगर अकेला उस काम को करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो आप ये लिखें. दो दिन में फिनिश करा, तो एक दिन में अगर मैं प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मानूं कि एक दिन में मैंने आधा काम फिनिश कर दिया, तो वही चीज़ है कि x डेज में एक वर्क कंप्लीट कर दिया, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? 1/x. समझे? हाँ, ठीक है. मतलब वो ढीला नहीं है, मतलब कर रहा है ठीक से. तो हमने कहा कि इसी तरह से लेट द सर फाइव नोटबुक्स की जो कॉस्ट है उसको अगर हमने 100 रुपीस बोल दिया, तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये जो 100 है, 100 के नीचे चला जाएगा 5, तो रुपीस 100 upon 5, 5 20 रुपीस 20 आ गया. उसी तरीके से x दिन में अगर एक काम फिनिश होता है, तो एक दिन में वन डे में कितना होगा? तो ये x जो है इसके डिनोमिनेटर पे चला जाएगा.
समझ गए? वन डे में वो कितना काम फिनिश करेगा, वन अपॉन एक्स करेगा। तो जब भी कभी हम वन के लिए निकालते हैं तो जो भी वैल्यू हमको ओरिजिनली क्लियर की होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। क्लियर है? ओके थैंक यू सर। ठीक है, लड़का टाइप देकर बाई अ बॉय टू वन वर्क बी बाई डेज। अभी इसमें भी कोई कहानी है कि एक काम जो है वो जो एक लड़का है वो एक काम फिनिश करता है बाई डेज में, तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा ऑन अबाउट बाई वर्क। सो इन वन डे अ बॉय फिनिशेस हाउ मच वर्क तो 10 दिन तक जो ये 8 मेन है ये भी काम करते रहे और ये जो 12 बॉयज हैं ये भी काम करते रहे। ठीक है, और फिर उन्होंने पूरा का पूरा एक वर्क फिनिश कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि इस फास्ट में क्या है, इस फास्ट में क्या है, ये तो एक मैन जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 1/x, तो वो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 × 1/x। एक दिन में वो 1/x वर्क फिनिश करता है तो 10 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, तो वो कितना काम फिनिश करेगा 10 × 1/x। लिखेंगे 8 × 10 × 1/x। ये बताओ ये समझ आएगी? एक आदमी का काम है ये, वन मैन अ मैन, एक आदमी का काम है 10 दिन तक अगर एक आदमी काम करता है तो 10 × 1/x काम फिनिश होगा। ठीक है, ये तो एक आदमी का काम हो गया, और 8 आदमी कितना करेंगे 8 × 10 × 1/x। समझ गए, ये एक आदमी का काम है 10 दिन का, तो 8 आदमियों का कितना होगा 8 और मल्टीप्लाई कर दो उसमें। सिमिलरली 10 दिन तक लगातार 12 लड़के भी 10 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि सबसे पहले तो 10 दिन तक वो काम कर रहे हैं 12 लड़के, तो एक लड़का अगर 10 दिन तक काम कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा उसका वर्क 10 × 1/y। लेकिन कितने लड़के काम कर रहे हैं 12, तो इसमें 12 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया 10 दिन का 8 मेन का काम, ये हो गया 10 दिन का 12 बॉयज का काम, और टोटल वो एक काम फिनिश करते हैं मिलकर। टोटल वो कितना काम फिनिश कर रहे हैं, एक काम लिखा है ना विनेश, अ पीस ऑफ वर्क, तो एक काम फिनिश करते हैं, एक काम मतलब 1 = 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास हुआ 8 × 10 = 80 और 12 × 10, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, कॉमन लिया जा सकता है, इधर भी 8 है और ये 12 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 × 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 2/x, और इधर क्या बचेगा 3/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ, 2/x, 2/x को क्या लिखेंगे 2 × 1/x प्लस 3/y, तो 3 × 1/y इज इक्वल टू, ये जो 4 × 10 = 40 है ये उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 1/40, 1/40, 1/x को क्या बोल देते हैं u, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 1/40, ये हमारी इक्वेशन पर बन गई थी। उसके बाद देखिए केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है कि अब वो बोल रहे हैं कि व्हाइल 6 मेन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 14 डेज, तो अब 14 डेज तक लगातार काम करते हैं 6 मेन भी और 8 बॉयज भी, तो एक मेन का एक दिन का काम कितना 1/x, तो वो 14 डेज तक लगातार काम चल रहा है, तो 14 × 1/x ये हो गया एक मेन का 14 डेज का काम, और मेन है कितने टोटल 6, तो 6 और मल्टीप्लाई करो उसमें। इसी तरह से 14 डेज तक सारे बॉयज भी काम करते हैं, तो एक बॉय का 14 डेज का काम कितना हो जाएगा 14 × 1/y। ठीक है, और कितने बॉयज हैं 8 बॉयज, तो 8 और मल्टीप्लाई करो उसमें, तो गया था फिनिश 1 वर्क इज इक्वल टू 1, 8 तो 14 कॉमन आएगा,
और सिक्स और एट किसके टेबल में आता है, टू के टेबल में, तो टू का मन आ जाएगा, तो टू ले लिया और 40 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 3 इंटू 1 अपॉन एक्स और 40 ले लिया कॉमन, तो 40 तुम्हारा आ गया, 2 ले लिया, तो ये 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, अब ये 2 इंटू 14 हो गया 28, 28 उधर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स को बोला u, 1 अपॉन वाई को बोला v, तो 3u प्लस 4v इज इक्वल टू 1 अपॉन 28, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बताइए जी, यू और भी निकाल लेंगे अपने आप, ठीक है। छोड़ रहा हूँ फिर मैं इसको, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो बता देना, नेक्स्ट जो है मैथ्स में आपको करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उससे पहले ग्राफिकल मेथड एक बार और, तो नेक्स्ट जो भी मैथ्स की क्लास हो उसमें ग्राफ जरूर लेकर आ जाना सर, ठीक है। चलिए जी, गुड इवनिंग।